दादी आप ये सब काय कर रहे थे? अरे वो भोला और बाकी सबकी छुट्टी है ना आज, तो बस मैं यूं ही। अरे ठीक है, कोनो बात नहीं, ये सब हम कर दिए, हम कर दीजिए। पहले मुंह हाथ धो ले, कुछ खा ले, और मेरे पास तो कोई काम नहीं है ना, तो बस मैं। कोनो काम नहीं? हाँ तो एक काम करिए, हम क्या दादी और नानी वाली कहानी सुना दीजिए, अभी पार्क चले जाइए, घूमे खा रहे, रामायण का पाठ पढ़ लीजिए, लेकिन ये सब हम करिए आप नहीं। ठीक है कर ले, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि सभी चीजों को अपनी सही जगह पर रखना चाहिए, तो मैं इस लड़की को इसकी असली जगह बता रही थी। कूड़े का ढेर महल में आने से कूड़ा ही रहता है, और यही इसकी औकात है। किसी भी काम की कोई औकात नहीं होती है अनु, थोड़ी देर पहले मैं यही काम कर रही थी, तो अब क्या तुम मुझे मेरी भी औकात सिखाओगी? नहीं मम्मी जी, औकात नहीं, लेकिन गलती तो समझा सकती हूँ। अगर घर में नौकर हो तो कोई भी काम के लिए अपनी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर ये खुद ये सब काम नहीं करती तो मैं उससे कह देती ये सब काम करने के लिए, और अगर इसे लगता है कि देव की तरह मैं इस पर प्यार बरसाऊंगी तो ये इसकी गलत फहमी है, और गलत फहमियां दूर कर देना ही बेहतर है। ये लड़की कहाँ जा रही है तू? ये कूड़ा कचरा कौन उठाएगा? चल साफ कर। बस करो न, बस करो। मम्मी जी अभी मैंने किया ही क्या है? जब तक ये लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आ जाती मैं भी कोई ढील नहीं छोड़ूंगी। बाय द वे मम्मी जी, आज मैं त्रिपाठीज के यहाँ गई थी, मालिनी से भी मुलाकात हुई मेरी। जब से ये लड़की यहाँ आई है वहाँ सब कुछ बहुत सुधर चुका है। पहले की तरह मालिनी बहुत खुश लग रही थी, एंड फाइनली आदित्य ने मालिनी पर ध्यान देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात है नानू। मालिनी की खुशियों पर जो ग्रहण था वो सब हट गया है, बिल्कुल पहले की तरह चहक रही थी हमारी मालिनी। मैं उसे दो बैग्स भी दे आई जो उसने मुझसे मंगवाए थे, बस कुछ ही दिनों में वो दोनों अपने हनीमून पर जो जाने वाले हैं। हनीमून? ऐसे अचानक? नहीं मम्मी जी, अचानक से नहीं, कई दिनों से वो प्लान कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जा रही थी, तो इस बार उन्होंने सोचा कि बिना किसी को बताए ही प्लान कर लेते हैं, ताकि किसी की बुरी नजर ही ना लगे। क्या हुआ इमली, तुम बड़ी शॉक लग रही हो? अपनी मालिनी दीदी की खुशी में तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? हम तो बहुत ही खुश हैं, बाबू साहेब मालिनी दीदी की तरफ अपन जिम्मेदारी निभाई है, उनका दिया हुआ हर वचन पूरा करिए। हम यही तो चाहते हैं। इंग्लिश मैडम सही कहत रही, हम बीच से हट गए तो सब वैसे नहीं हुई का जैसे होवे के चाह रहे। सीता मैया वो दोनों के हमेशा खुश रखिया। कॉलेज छोड़कर यहाँ आने से पहले क्या तूने मालिनी के मम्मी पापा से पूछा? क्या उन्हें बताकर आए? नहीं, नहीं बताए। अब तू उनके यहाँ रहती है तो तुझे उन्हें बताकर आना होगा। अगर कॉलेज छोड़कर कहीं भी जाना है उन्हें पूछकर जाना होगा। हम सच में नहीं सोचे रहे। इमली तू तो कुछ करने या कहने से पहले सोचती नहीं है, लेकिन बाकी सब पे तेरी इन हरकतों का, तेरी इन बातों का असर पड़ता है।
सॉरी मत बोलेंगी। सॉरी बोलने के बाद अगर वही सब करना है बार बार तो सॉरी का कोई मतलब नहीं है। हो क्या गया आप दोनों को? अब इसके आते पूछताछ क्यों शुरू कर दी आप दोनों ने? इमली के आप घर पे आ भी नहीं सकते। आ सकते मगर पूछ कर बताकर। पिछली बार इसने अनु जी से झूठ बोला था और उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ा तमाशा किया था। अगर ये ऐसा ही करती रहे तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो अगर इसे यहाँ आना है तो उनसे पूछना होगा, उन्हें बताना होगा। क्या कह रही हो चाची? हमारी अपनी इमली को घर आने से पहले पूछना पड़े। दीदी छोटी का भी ठीक ही कहते हैं, कोनो के घर आए से पहले कोनो चिट्ठी पत्री या फोन करे के बाद आवे के चाहिए ना। फिर बुलाए मेहमान कोने के अच्छा लागत। हम छोटी का के हम प्लीज थोड़ा देर रुक जाए, उनका इंतजार कर ले। इमली तूने अभी तक हमें तो बताया नहीं कि तुझे निशान से क्या बात करनी है। प्लीज छोटी का के तेरा इस वक्त यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। इमली तू अब अनु जी और देव जी के यहाँ रहती है तो तुझे उनके घर के तौर तरीके और कायदे कानून सीखने भी होंगे और समझने भी होंगे। जहां जाना है जिससे मिलना है तुझे उनसे पूछ कर जाना होगा, उन्हें बता कर जाना होगा, क्योंकि अब हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जी हम चले जाते हैं। बस एक तो रिक्वेस्ट है, बस बड़के काका से कही है कि हम मालिनी दीदी के घर में बहुत खुश है, हम जाते हैं। सीता भैया की दादी और मालिनी को किसी जगह पर अकेला होना चाहिए जहाँ उन दोनों के बीच कोई बाहर का दखल ना हो। रहने दे इमली, तू वापस चली जा। वैसे भी आजकल इस घर में बाहर के दखल की कुछ ज्यादा ही दिक्कत चल रही है। क्या करने गई थी अदित्य के पास? क्या कहा तूने उससे? नहीं मम्मी जी, मैं उससे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये मेरे बातों का जवाब नहीं देगी। जवाब दे, क्या करने गई थी तू वहाँ? जवाब दे। काम था तुझे? काम था इस घटिया लड़की की वजह से आपकी पोती की जान जाने वाली थी और आप इसका साइड ले रही हैं। नहीं गाय की पूरी नजर मेरे घर पर पड़ी है और मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी। प्लीज बहुत शौक है अपनी माँ की तरह बनने का। तू भी वही करने लगी है जो तेरी माँ ने किया होगा। किसी की बसी बसाई ग्रस्त कर हमारी अम्मा का नाम भी लीज तो सीता मैया की सौगंध हम भूल जाए कि आप मालिनी दीदी की अम्मा है। शेमलेस गर्ल, मुझे धमकी दे रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। गलती तो आपकी ही है। हम पहले भी आपको कह रहे हैं अपन अम्मा के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। अब हम बोलते हैं और आप सुना
आपको कोनो हक नहीं है हम पर हाथ उठाए का। हम चुप रहते हैं, सह जाते हैं, का मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, जुबान हमरे मुंह में भी है। यू कैरेक्टरलेस गर्ल, किस हक से तू मेरे दामाद के पीछे पड़ी है? किस हक से तू मेरे फैमिली को बर्बाद कर रही है? आपकी फैमिली बर्बाद होने का कारण हम कैसे बन गए? मेरे हस्बैंड के सामने अपने मोटे मोटे आंसू टपकाती है, भोलेपन का नाटक करती है, ड्रामा करके दिखाती है कि तू बेचारी है, मासूम है। और आदित्य पर क्या जादू कर रखा है तूने कि वो अपना बसा बसाया घर तेरी वजह से उजाड़ने को तैयार हो गया? कबू उका घर नहीं उजाड़े के चाहत रहे। क्या बोल रही है तू? अगर हम चाहते तो उजाड़ सकते रहे, अगर हम चाहते तो उजाड़ सकते रहे। क्या बकवास कर रही है तू? अगर हम चाहते तो आपकी बिटिया का घर कबू बसने ही नहीं देते रहे। हेल, मम्मी जी, देख रही है इस लड़की को? आप जवाब चाहत रही ना, सुनिए फिर। हम कबो अपन हक मांगे नहीं, ये आपकी बिटिया को उका हक मिला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बातें करने की? तू है कौन? एक मामूली नौकरानी? हम नौकरानी बने ये से आपकी बिटिया बहुरानी बन पाई है। नौकरानी बने ये से आपकी बिटिया बहुरानी बन पाई है। Disgusting. क्या बोलना चाहती है तू? कुछ नहीं, हमका जॉन बोल के रहे, हम बोलती हमका दोहराए को मत कहिए, पर याद रखिए भगवान, इतना सारा खून, तुमने बहुत गलत किया तुमने भगवान, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। और मैं इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। इमली तो ठीक है ना? मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, इतना सारा खून, मैं हॉस्पिटल अस्पताल लाई जाएगी। नहीं बेटा, देख टाके लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा खून आएगा इमली, ये बहुत गहरी चोट है इमली, प्लीज चल, मैं तो चलती हूँ। जाना था दादी, मालिनी दीदी की अम्मा आज हमका बहुत गहरी चोट दी है, हम नहीं चाहते कि घाव कबू भरे, नहीं कर दर्द कबू मिटे, नहीं कर निशान निशान हमरे सर में रब हमका याद दिलावत रही है कि हम दुख से एक याद अड्डा ले रहे, अपमान से एक किनारे।